राजस्थान के इतिहास में 15 दिसंबर का दिन बहुत खास रहा। इस दिन प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बारवा ने अपना पद संभाला। दरअसल ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम पद की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी के 2 वीडियो वायरल होने लगे, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि दिया कुमारी के वो कौन से वीडियोस थे जिनकी खूब चर्चा हो रही है और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसका कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही दिया कुमारी अपने दफ्तर पहुंची तो दिया कुमारी ने पहले कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना की और बाद में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और पार्टी के तमाम विधायक मौजूद थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिसका कि वीडियो भी खूब वायरल हुआ वो था दिया कुमारी ने जब वसुंधरा राजे के पैर छुए। पदभार ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने खुद को रोका नहीं और उप मुख्यमंत्री को लाड़ किया और प्यार से वो उनको गले लगाते दिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा के सिर पर भी हाथ रखा। दिया कुमारी के पदभार में सीएम भजनलाल शर्मा अपने ऑफिस पैदल चलकर पहुंचे थे। ये जो वीडियो था ये जमकर सोशल मीडिया पर शेयर भी हुआ, वायरल भी हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। समारोह में 3 मंच बनाए गए थे। मुख्य मंच पर राज्यपाल कलराज मिश्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा थे और प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी बैठे थे। एक पर विभिन्न मंत्री और मुख्यमंत्री बैठे थे। वहीं एक मंच साधु समाज के लोगों के लिए बनाया गया था। शपथ ग्रहण के दौरान ये जो वीडियो वायरल हुआ वो ये था, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। यहां पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया। यहां ये जरूर चीजें हुई लेकिन बाद में इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करते हुए देखा गया। गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे एक साथ बैठे थे। ये वीडियो भी खूब चर्चा में रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे एक साथ बैठे इस कार्यक्रम में नजर आए। गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की लंबी बातचीत हुई। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह भी आपस में बात करते दिखाई पड़े। गहलोत और गजेंद्र सिंह के बीच न सिर्फ सियासी दुश्मनी है बल्कि वो एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज भी करा चुके हैं, लेकिन यहां ये जो तस्वीर दिखी वो ऐसा लगा कि जैसे ये जिगरी है। पहली बार गहलोत गजेंद्र सिंह के साथ एक साथ मंच पर बात करते हुए दिखाई पड़े। गहलोत वसुंधरा राजे के बीच सियासी रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। गहलोत और वसुंधरा ने भी आपस में खूब बात की। ये वीडियो भी खूब पसंद किया गया। आपको बता दें कि दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी और दिया कुमारी 19,87,000 से ज्यादा की मालकिन है। दिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर में हुआ था और उनके पिता महाराज सवाई भवानी सिंह और माता पद्मिनी देवी हैं। दिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान रही हैं और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल उनके पिता रह चुके हैं। उनकी माँ हिमाचल प्रदेश के हाइनेसेज महाराजा जो हैं उनकी पुत्री रही हैं। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी को राजकुमारी भी कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक बिजनेस वुमन भी हैं। राजस्थान में उनके कई व्यवसाय भी हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी स्कूल, ट्रस्ट, संग्रहालय, होटल्स, काफ़ी कुछ चलाती हैं। पहले इनकी चर्चा इतनी नहीं होती थी लेकिन जब से चुनावी माहौल हुआ वसुंधरा राजे से इनका कंपैरिजन होने लगा और इनकी खूब चर्चा होने लगी। और अब जब उप मुख्यमंत्री पद की जब उन्होंने शपथ ले ली तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जहाँ पर वो वसुंधरा राजे, जिनको कि वो अपना गुरु भी मानती रही हैं कि राजनीतिक गुरु हैं वो मेरी, उनका पैर छूते हुए, चरण स्पर्श करते हुए दिखाई पड़ी, जिसकी खूब चर्चा हुई। और वसुंधरा के लिए भी लोगों ने खूब सराहा कि उन्होंने लाड़ दुलार करके दिया कुमारी को आशीर्वाद दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।